अक्टूबर को सिपाही भर्ती परीक्षा का जो आयोजन किया गया था सारण जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे, इसमें कदाचार का प्रयास करते हुए कुल 21 व्यक्तियों को सारण पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 11 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें फिस्किंग के क्रम में किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ, जिसको वो परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। 7 ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो पर्ची या पुर्जे के माध्यम से परीक्षा केंद्र के अंदर कदाचार करने का प्रयास कर रहे थे। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। वह एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है परीक्षा केंद्र के बाहर जो वॉकी टॉकी की मदद से अंदर किसी परीक्षार्थी को उत्तर बताने का या नकल करवाने का प्रयास कर रहा था। कुल मिला के 21 व्यक्तियों की विभिन्न 3 थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 20 परीक्षार्थी हैं और 1 व्यक्ति है जो बाहर से मदद करने का प्रयास कर रहा था। इन लोगों के पास से कुल मिलाकर 10 ईयरपीस, 8 इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइसेस, 1 वॉकी टॉकी और अन्य सामग्री बरामद हुई है। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, इनका जो कार्यशैली थी वो इस प्रकार थी कि ये लोग अपने बदन पे ज्यादातर जो है अपने अंडरवेयर आदि में इस डिवाइस को छुपाकर ये अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे थे और इनके पास एक छोटा सा ब्लूटूथ ईयरपीस भी था जिससे ये बाहर से किसी व्यक्ति से बातचीत कर पा रहे थे जो इनको उत्तर बता रहे थे। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया।